हाँ जी, हमारी है अभी एप्लीकेशन, हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी कॉल्ड न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी कॉल्ड न्यूमेरिकल। थ्योरी समझने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका। ओके, तो क्वेश्चन है जी, पहला पॉइंट एक क्वाड्रुपोल क्या होता है? डायपोल पढ़ाया मैंने आपको, अभी क्या बता रहा हूँ, क्वाड्रुपोल क्या होता है बेटा, है ना? क्वाड्रुपोल होता है बच्चों, टू इक्वल एंड अपोजिट डायपोल्स। क्वाड्रुपोल क्या है? टू टू इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल फॉर्म अ क्वाड्रुपोल। तो इक्वल और अपोजिट डाइपोल क्या बनाएंगे? क्वाड्रुपोल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, दो डायग्राम बना रहा हूं क्वाड्रुपोल की। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, देखिए क्वाड्रुपोल का डायग्राम बनाता हूं। हाँ जी, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओके, यहां पर नीचे क्या है जी, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, ओके, और ये आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, एक और डायग्राम है जी, एक सर्कल है, ये नोट्स में बिल्कुल नहीं है, प्लीज लिखते जाएं, बनाते जाएं, नोट्स में ये बात नहीं है, ठीक है। यहां पर दो जगह, एक ये एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल और ये एक एक्सिस हो गई जी, ओके बेटा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, है ना? तो इस स्ट्रक्चर की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप ध्यान दें, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू, देखिए डाइपोल का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे हम, इसमें नेगेटिव से बेटा पॉजिटिव, इसमें कैसे बनाएंगे, चलिए, ओके, तो ये एरो क्या शो कर रहा है, ये भी ग्रीन एरो क्या शो कर रहा है आपको, डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट चार्ज एंड नेट डाइपोल मोमेंट,
फाइंड नेट चार्ज एंड नेट डाइपोल मोमेंट। क्या होगा जी नेट चार्ज और क्या होगा नेट डाइपोल मोमेंट, ये आपको निकालना है बच्चों। ओके, फाइंड नेट चार्ज एंड नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, आगे बोले बच्चे। फाइंड नेट चार्ज एंड नेट डाइपोल मोमेंट बेटा। आगे बताएं बेटा। डाइपोल मोमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, दो डाइपोल को कैसे ऐड करना है। आप पहला डायग्राम देखिए, बना ले डायग्राम आपने सभी ने। अगर आप पहला डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया पी। ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है अपोजिट, तो पी टोटल क्या आएगा जी बेटा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस पी प्लस माइनस ऑफ पी, आंसर क्या आ गया जीरो। बेटा दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं तो क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, टू वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट दे विल, यहां पर भी सेम आएगा जी, पी टोटल क्या आएगा जी पी प्लस माइनस ऑफ पी, आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। समझ में आया, क्लियर। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बेटा। डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, नेट चार्ज क्या आप खुद के बताओ। बिल्कुल सही है, जोड़ो नेट चार्ज क्या आएगा जीरो, यहां भी नेट चार्ज क्या आएगा बेटा, जोड़कर देखो सबको जोड़ो प्लस क्यू करके, क्यू प्लस क्यू टू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, देखो दो माइनस क्यू के दो प्लस क्यू के, आंसर क्या आ जाएगा जीरो। समझ में आया, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सीबीएस में, दो तीन बार आया, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन को। जोड़ो बेटा चार्ज, जोड़ो मेरे साथ देखो, Q प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये वेक्टर क्यों है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है कि नहीं है, इसलिए आंसर क्या आया जीरो आया। ठीक है, तो बात मेरी आप ये समझिए कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल का न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर का लॉ लगा के बेटा, यू हैव टू अप्लाई वेक्टर लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन
क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिए। हाँ जी न्यूमेरिकल है जी, आपको पहले क्लास में ट्राई करना है, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल ऑफ चार्ज, कितना चार्ज बेटा, 2 माइक्रोकूलम एंड अ मास 10 मिलीग्राम। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड enters a uniform electric field of strength, कितनी strength बेटा, 10³ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैं इस क्वेश्चन के 5 मिनट देता हूं। आप देखिए, आप एक यूनिफॉर्म फील्ड है, 10³ है, इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज फेंका है, नेगेटिव फेंका है जी, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फील्ड क्या है इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, मतलब मैं पार्टिकल अब कैसे मूव करवा दूं, ऐसे मूव करवा दूं, ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी है जी, 1000, ठीक है। चार्ज कितना है जी, 2 माइक्रोकूलम। मास कितना है जी, 10 मिलीग्राम, 10³ ग्राम हो गया, 10³ kg हो गया, 1 मिलीग्राम। देखो पहले मिलीग्राम के क्या बनाए, ग्राम बनाए, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, और ग्राम के क्या बनाए, केजी बनाए। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन करता हूँ बॉयज से, चलो या गर्ल्स को मौका देता हूँ, ये पार्टिकल क्या स्ट्रेट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा, किस डायरेक्शन में बेंड होगा। हाँ जी, पार्टिकल किधर जाएगा, सीधा जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, कहाँ जाएगा, थोड़ा सा राइट जाएगा, क्यों भाई राइट क्यों जाएगा, बिल्कुल सही है, ये बात तो समझ में आ रही है आपको भी, पार्टिकल है वो वर्टिकल नहीं जाएगा, इट विल चेंज इट्स पाथ, यहाँ जैसे घुसेगा फील्ड में क्या होगा, क्या इतनी समझ आ रही है तुम्हें, दाहिने क्यों पार्टिकल घूम गया, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी, समय क्या दिया है, तो बच्चों जब भी ई आता है आप बोलिए एफ क्या होता है, इक्वल्स टू एम ए,
बोला बोला मैंने बताया क्यू कितना है जी, टू इंटो ई कितना है इक्वल टू, ये कितना आ गया सॉल्व करके यार, माइनस सिक्स टेन की माइनस फाइव इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाई की तरफ होगी या एक्स की तरफ होगी, कुछ भी मान लीजिए कि लेट दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मानना है हमारा, मैं किसी को भी मेरी डायग्राम अकॉर्डिंग में एक्स वाई मानूंगा, ये एक्स मान लो इधर, एक्स मान लो यार, ठीक हो सकता है, क्यों परेशान करूं आपको, एक्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए वाई कर लीजिए, तो इसको फिर क्या लिखूं अभी, एक्सेलरेशन कहाँ होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी बेटा, बोलिए बोलिए शाबाश, ए एक्स कितना आ गया, टू इंटू ये हुआ माइनस थ्री, ऊपर प्लस फाइव, माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस टू, ये आ गया जी एक्सेलरेशन, क्या आ गया जी एक्सेलरेशन। देखो जी आप चाहे एक न्यूमेरिकल एक बार में सीख लो, चाहे उसको 10 साल लगा दो, जब तक मेरे लॉज या आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तुम्हारे हाथ हमेशा ऐसे कैदियों की तरह खड़े रहेंगे न्यूमेरिकल को देख के। मैं फिर समझाना चाहता हूँ, जो इनिशियल वेलोसिटी थी तुम्हारी, डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलूंगा, ये क्या मैंने माना वाई एक्सिस माना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई की तरफ थी वो कितनी है, 1000 है, बोलो क्या एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी है इनिशियल, नो, तो पिछली कहानी कराई थी उसको टेढ़ा किया हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है, एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी है नहीं है, बताओ है कि नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे तो ले लो, दो फिर साथ, ठीक है जी, ये सिमरन कौन एंटर हो रहा है, क्या है था भी? ओके जी, वीवाई कितना है, 1000 क्लियर है बेटा, देखो यार तुम समझो, एक न्यूमेरिकल करेंगे टाइम का मर्जी लग जाए, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अगर फील्ड नहीं होता उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती, 1000 रहती है नहीं रहती, रहती, तुमने अचानक ऐसे फील्ड मारा, पार्टिकल क्या कर रही है, हवा आपकी बड़ी तेज, पार्टिकल ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्या वाई की तरफ कोई फोर्स लगी, तो देखो यहाँ पर बेटा क्या कर रहे हो बेटा, ये एक्सिस को एक्स मानते हैं, दोबारा फिर कह देता हूँ, इसको एक्स मान रहे हैं इसको, अब बताओ अब आंसर दो, वाई की वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में रहेगी, क्यों रहेगी, मोशन इज, सारे फिर से बोलो, मोशन इज, फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, कंसेप्ट सीखिए, कल भी यही पढ़ाया मैंने आके, मोशन इज तो फोर्स नहीं लगेगी, लो जी मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गया वाई की तरफ, अब मैं एक्स की तरफ सोचता हूँ, व्हाट इज वी एक्स, ये ux plus ax into, तो बेटा इसको ux लिखते हैं, गड़बड़ क्यों हो रही है भाई, this is ux, velocity along x axis है ना, तो बच्चों vx क्या आ गया भाई, ux कितना है स्टार्टिंग में, 0, ax कितना है 200, समय कितना है 10, कितना आ गया 2000, सब बच्चों ने वेक्टर सीखा है, बोलिए क्या है वेक्टर, vx i कैप, बोलो बोलो, vy, तो 2000 i कैप प्लस 1000 j कैप, या क्या वेलोसिटी वेक्टर, समझो यहां पर ये वेलोसिटी 1000 है बेटा, ये वेलोसिटी क्या बन गई है, तो समझ में आ रहा, लिखा बहुत छोटा छोटा है, समझ में आया,
एक न्यूमेरिकल सीख लीजिए आपका बेटे काफी काम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ये बढ़िया न्यूमेरिकल है। अब बेटा इसका मॉडुलस क्या होगा, सब बच्चों को वेक्टर का मॉडुलस सिखाया, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, सबको सिखाया कि नहीं सिखाया यार, तो क्या आंसर में आएगा बताओ, कॉमन, बिल्कुल सही है 1000। क्या तुम्हें पहला पार्ट समझ में आया, वेलोसिटी कैसे निकाली मैंने, और जो कल आर्टिकल पढ़ाया था वो क्यों पढ़ाया था, ये भी बात आपको शायद थोड़ी समझ में आ रही हो। लिखना बंद करें पहले मेरी बात को समझे, मैं आपको फिर से एक मिनट दूंगा लिखने के लिए। हाँ जी भाई, फिर से बोर्ड पर आइए मेरे साथ। वो हमसे ये भी पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है, है ना, तो जब वो एंटर हुआ यहाँ पर, जब वो एंटर हुआ, बोर्ड पे ध्यान, क्या कर रहे हो बोर्ड पे देखो, जब वो एंटर हुआ बेटा, भाई फिजिक्स है, बोर्ड पर देखिए, जब वो एंटर हुआ मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, जीरो जीरो, क्या कोऑर्डिनेट है, तुम सोच कर बताना मुझे कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इतना लाल लाइन, लाल लाइन वाई कोऑर्डिनेट है या नहीं है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही है 1000। क्यों बोल रहे हैं आप, तो वेलोसिटी 1000 है तो डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना लगा, क्या आया कल सिखाया था आपको कि टाइम का कोई मतलब नहीं है, एक्स और वाई के लिए टाइम क्या रहता है, फिर से बोलिए, एक्स और वाई के लिए टाइम क्या रहता है, यार सीखना आपको पड़ेगा बेटे, दिमाग तुम्हें जलाना है, ये वाई मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है कि नहीं बताओ, क्यों फोर्स नहीं लग रही, शाबाश, और ये क्या है, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस क्या होता है बताइए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी, डिस्टेंस अलोंग कहां, वाई एक्सिस, ये मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, बोलो हाँ या ना, इब्रत समझ में आ रहा है, यस सर, यूनिफॉर्म मोशन है तो वाई क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 1000 समय 10 क्या आ गया, वाई की डिस्प्लेसमेंट 10,000 मीटर। अब एक्स का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्स डिस्प्लेसमेंट, बताओ 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 बताओ, शाबाश, ये क्या है, यही तो है एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो पार्टिकल एक्स की तरफ कितना गया बच्चे, कितना गया, वी एक्स क्या होगा, अरे वी तो नहीं, दूसरी बहन को बुलाओ, उसकी जरूरत नहीं है, गेट आउट, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, तीन बहन होती है ना एक्सप्रेशन की, बताओ कौन सा, ये हमें एक्स चाहिए ना, इसको बाहर निकालो, दूसरी को बुलाओ, आपकी हेल्प करेगी, क्या एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ, यू एक्स जीरो क्यों था यार, पार्टिकल ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था, एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं था उसको, आप सीधे जाना चाह रहे थे वाई की तरफ, अचानक तूफान आया, तूफान आया किसका, फील्ड का, तुम्हें उड़ा के यहाँ ले गया, फिजिक्स को समझिए, तो ऐसे जाना चाह रहे थे, सली से अपने गुंगराते हुए जा रहे हैं हम आगे, अचानक आया इलेक्ट्रिक फील्ड का तूफान, तुम पे था पॉजिटिव चार्ज और तुम्हें उड़ा के इस पाथ पे यहाँ ले गया, तो क्या एक्स कवर हुआ, हुआ ना, तो एक्स क्या होगा, uxt प्लस, स्टार्टिंग में प्योर कहाँ जा रहे हो तुम, तो एक्स की तरफ क्या मोशन था तुम्हारा, जीरो, जीरो था, क्या था बेटा, जीरो,
तो ये क्या बना, हाफ ए एक्स कितना था बेटा, ए एक्स क्या है, 200 निकाला हमने पहले, 200 समय कितना है, 10 का स्क्वायर, तो क्या आ गया जी, कितना है जी, ये 100 आ गया, अब आ गया जी 10,000। ठीक है, समझ में आया। अब देखना थोड़ा, जब तक दिमाग, दिमाग तो हमेशा चाहिए, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये बताओ। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो और उनकी वैल्यू सेम हो, क्या आंसर आता है, याद करवाया, खूब करवाया याद तुम्हें यार, नहीं याद करो ऐसे कर लो, तुमसे पूछा क्या है, वही तुमसे पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछी है तुमसे, क्या पूछा है, तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, एक्टिवली बैठिए, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बेटे, बताओ क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, yes, sir। बोलो बोलो शाबाश बताओ, yes, क्या लिखेंगे इसको आप, एक्स आई कैप प्लस वाई, मैंने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी आपकी मर्जी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर का मॉडुलस क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई क्या है, बराबर है, क्या आंसर आने वाला है, एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, करके देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स और वाई सेम है, क्या आंसर आया, डायरेक्शन पूछी नहीं, वरना मैं डायरेक्शन निकाल, टैन बीटा कितना आएगा, 45 आएगा, अगर आपसे कोई डायरेक्शन भी पूछता है वो क्या आएगा बेटा, व्हाट इज टैन बीटा, 45, परपेंडिकुलर ऑन बेस इज कॉल्ड टैन बीटा, डायरेक्शन भी आ जाएगी 45। तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल फॉर्म मोशन होता है जिसमें फोर्स बाहर से ना लगे, यूनिफॉर्म मोशन में कभी स्पीड चेंज ना ही वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए जो 1000 मीटर था वेलोसिटी वो हर जगह क्या रहा, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से मैंने तुरंत ये वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 1000 × 10 क्या आ गया, 10,000, गेम ओवर। अब पार्टिकल गया राइट हैंड साइड, क्यों गया भाई, कौन सी फोर्स लगी है, नाम बताओ, क्यूई इक्वल्स टू एम ए, क्या निकाल लिया, ए आया, तीन बहनें साथ में आई आपकी हेल्प के लिए, एक से क्या पूछा, वेलोसिटी निकालो, लग गई काम पे, क्या वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स क्या है, क्यों जीरो है यू एक्स यार, अरे वो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्स की तरफ जाऊंगा, पार्टिकल को अपने आप को लेकर चलो यार, तुम ऐसे भाग रहे हो, कर रहे हो जॉगिंग, अचानक आया तूफान इलेक्ट्रिक फील्ड का और तुम्हें ऐसे उड़ा के ले गया, सोचते रहे, तो आप कहने लगे बताओ जी 10 सेकंड बाद मेरी पोजीशन क्या थी, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मेरी वेलोसिटी क्या थी, सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आया या नहीं आया, बट लेवल ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज 5-star। घर में 4 बार भी करोगे ना, आपकी नॉलेज में इसमें इंक्रीमेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, v बराबर यू प्लस एटी कब लगाना है, तीनों बहनें कब आएंगी, जब भैया जी आएंगे, एक्सेलरेशन आएगा, है ना, एफ क्या होगा, एम इंटू ए, एफ इक्वल्स टू, जैसे ही ये आएगा 3 इक्वेशंस आपकी हेल्प करने आ जाएंगी, जो चीज चाहिए पकड़ पकड़ निकाल के लाओ उसको, बैठ यहां पर मेरा काम कर, समझ में आया,
वाई एक्सिस में तीन इक्वेशन क्यों नहीं आई? यूनिफॉर्म में इकलौता है, फोर्स ही नहीं है, पापा ही नहीं है, माँ भी नहीं है, एफ बराबर एम ए सब गायब है, यूनिफॉर्म मोशन है, बेचारा है, कोई उसका वाली वर्ष नहीं है। और सबसे आसान है क्या? इक्वल्स टू इब्रत, बात समझ में आई बेटा? तो आप लाल लाइन स्क्रीन पे देख रहे हो, लाल लाइन क्या है? ये बेटा फोर्स की वजह से पैदा होने वाली लाइन है। क्या तुम एक्स की तरफ जाना चाह रहे थे? तो मैं फोर्स किया गया, जब फोर्स आ गई तो एम ए भी आएगा, ए आ गई तो तीनों इक्वेशंस भी आएगी। तो ये बात सुन लेना कि ये दो परिवार हैं, वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, अदर इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड। ये इनमें एक ही कॉमन है, टाइम, और कोई पैरामीटर वो कॉमन कभी नहीं होता। वाई का हिसाब किताब वाई से करेंगे, एक्स का हिसाब किताब एक्स से करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के पैरामीटर यूनिफॉर्म हैंडल करेगा, एक्सिलरेटेड के एक्सिलरेटेड हैंडल करेगा। तो सुन लेना बेटे, आया ना अपना आंसर, कि आप मेरे से कह रहे थे सर जी कि वी वाई स्केयर माइनस यू वाई स्केयर, वो इक्वेशन कब है? वो इक्वेशन कब है? जब तुम्हारे साथ परिवार है, तो वो डाटा किसका निकालेगा? परिवार क्या है यहाँ पर? एक्स। तो वो सिर्फ एक्स की वेलोसिटी निकालेगा। तो परिवार है वो एक्सिलरेटेड मोशन को समझाएगा, ना कि यूनिफॉर्म को समझाएगा। यूनिफॉर्म अलग था, ये अलग है, दोनों को मिलाकर हम नेट आंसर देंगे। जितनी भी फिजिक्स आप आगे पढ़ेंगे, जहां जहां आपके फ्यूज जुड़ेंगे, वो सुन लीजिए क्या है। आपको समझ में नहीं आता कि भाई मैं एक्स के लिए क्या करूं, मैं वाई के लिए क्या करूं। क्लियर शब्दों में, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, जब कोई फोर्स लगेगी पूरा परिवार आएगा, वो पूरे परिवार को आप हैंडल करेंगे। लास्ट में दोनों का हिसाब किताब करेंगे कि अगर तूफान नहीं आता तो मैं 10 सेकंड में कहां पहुंचता? यहां पहुंचता? यस सर। बोलो आए ना? यस सर। तूफान की वजह से आप यहां पहुंचे? यस सर। तो किस रास्ते से आए? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया आपको? यस सर। फॉलो हुआ कंसेप्ट की नहीं हुआ? बेटे ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, दिस इज अ काइनेमैटिक्स ऑफ प्लस वन। जब तक वो चैप्टर क्लियर नहीं है, या तुम करना नहीं चाहते क्लियर, तब तक ये न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अभी क्वेश्चन है, इब्रत क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। इब्रत लगता है गई चैप्टर। बच्चों क्या है क्वेश्चन? टू चार्जेस प्लस 10 माइनस 10 जब इक्वल और अपोजिट है, मतलब चार्जेस क्या है? ये डाइपोल को बनाने, प्लस 10 और कितना गैप है जी? ये क्या दिया है? 2a कितना है? 5 मिलीमीटर। डाइपोल में गैप को क्या कहते हैं हम? 2a। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis of a dipole। ये P है axis पे, ठीक है? 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर हो, कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर। ये क्या होगा तुम्हारा? R हो गया बेटा। अब जरा सोच कर देखो, कैसे सोचेंगे? सोचेंगे ना यार, ये कितना है? 5 मिलीमीटर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो देखिए, ये शॉर्ट डायपोल नहीं बन रहा? मुझे लग रहा है शॉर्ट डायपोल बन रहा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये भी एक आधा सेंटीमीटर होता तो थोड़ी तसल्ली होती, यूनिट तो कम से कम सेम होते। ये क्या बन रहा है? तो करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो शॉर्ट लगा दूं? लॉन्ग लगा देंगे, गलत वो भी नहीं होगा, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आप लॉन्ग लगा देंगे, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, गलत नहीं होगा वो।
वो ज्यादा एक्यूरेट फार्मूला है। हाँ जी वो ज्यादा एक्यूरेट फार्मूला है। वो क्या है उनका ज्यादा एक्यूरेट फार्मूला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, क्या था इसकी एक्सेल का बताएंगे फार्मूला मुझे, बोलिए के एक्सेल का के टू पी आर अपॉन। बच्चे मुझे याद है ऊपर, बिल्कुल सही है, शाबाश। यहाँ क्यूब लगाएंगे ऊपर आर नहीं आएगा। बच्चों मैंने शॉर्ट क्यों लगाया, लॉजिक बता दिया आपको। ये क्या है दूरी मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ओके अभी बात करते हैं, क्या बात करते हैं। हाँ वो एयर में ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मीडियम ना बोले ऑटोमेटिक एयर में चलेगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी देखना, के की वैल्यू 9 × 10⁻¹² × 2। वेरी गुड। पी कितना आएगा, एक चार्ज, साइन नहीं लेना, कोई एक चार्ज 10⁻⁶ अपॉन बेटा जी क्या आएगा, यहां से यहां की दूरी कितनी है, ये 15। पर मैं तो ऐसा ही में चलूंगा, तो 0.15 का क्यूब, ये आ गया जी आपका आंसर। क्यू इंटू लेंथ भी डाली ना, ये क्यू है, लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर, क्या होगा देखो बच्चे, मैं फिर से पेन का कलर चेंज करता हूँ और देखिएगा ये चीज क्या है, देखना ये चीज मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है क्यू इंटू टू ए, क्यू कितना है समझ रहे हैं, टू ए कितना है, -3 क्यों लगाया, क्या तुम्हें समझ में आया कैसे किया प्रॉब्लम। इसमें कौन सा लगाएंगे, इक्वेटोरियल वाला फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये 2 लगाया तो है मैंने 2 3। अरे सुनो सुनो सुनो, गलती मत करना कि ये 5 mm क्या है, ये 2a है, पूरा गैप 5 mm दिया है, पूरा गैप दिया, ये नहीं दिया, क्या दिया पूरा गैप, तो 2a क्या आ गया 5 आ गया। सर सेकंड वाले में इसको भी डबल कर सकते हैं ना, नहीं जरूरी नहीं है, आर अलग हुआ तो नहीं, अगर आर सेम होगा तो, अगर आर सेम होगा तो डबल कर सकते हैं इसको, हाँ अगर आर सेम होगा तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम करनी बहुत जरूरी है बेटा। अब देखें इसने क्या किया है, इसने शॉर्ट लिया कि नहीं लिया पहले ये बताओ। ये तो बहुत बहुत पंचर कर रहा है, क्यों पंचर कर रहा, देखो लिया तो शॉर्ट ही है, पर देखो कितना पंचर किया इसने, इसकी वैल्यू सीधी नहीं हमारे पास, तो एनसीईआरटी के मतलब सोल्यूशन मत देखना, सीधा आंसर देखना यार, अपनी वैल्यू भरो, ये थोड़ा ज्यादा पंचर कर रही है तुम्हें, है ना, तो इसकी तो वैल्यू थी मेरे पास, थी ना, तो ये मैंने पिछली भी प्रॉब्लम करवाई थी आपको, कहा था इसका सोल्यूशन मत देखना, हम उसको चुटकियों, उसका मैंने पिक भी डाला था ग्रुप के अंदर, आपके सभी के नंबर है, हम पिक खींच के ग्रुप में डाल देते हैं, सोल्यूशन क्या था इसका, जब मर्जी देखते रहो उसको, घर पे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या इसमें भी वैल्यू अगर भर दे, इसके साथ ही लेक्चर क्लोज करते हैं, इसका क्या आंसर आएगा देखिए, आप इसमें अपने आप वैल्यू भरो, सेकंड डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में प्लीज अपने आप वैल्यू भरिए, सबके पास एनसीईआरटी है ना, पी अपॉन आर क्यूब लगा दे, पर आर तो देख लो, यहाँ आर कितना है 15, यहाँ आर कितना है देखो 15 ही है, तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, क्योंकि ई एक्सेल क्या होता है ट्वाइस ऑफ ई, तो ई एक्सेल बाय 2, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है,
तो मैं सेकंड को सॉल्व ही नहीं करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा और शॉर्टकट में आंसर निकाल दूंगा। तो क्या तुम्हें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम समझ में आ गई बेटा? यस सर। है इससे ऊपर की प्रॉब्लम घर पे रटना, एनसीईआरटी को एकदम चाट जाओ। ये कॉम्पिटिशन के भी जरूरी है, वैसे भी जरूरी है। ओके बेटा, प्रॉब्लम समझ में आ गई? आंसर खुद से घर पे निकालोगे? ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। होमवर्क में क्या है, बुक लगाना घर पे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं। एमपीजी ठीक है, 1.10 एग्जांपल तक मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। हाँ बच्चे, मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चे आप भी जाओ। तो मुझे लगता है बाकी बच्चों को हमने टाइम दिया शाम को 5 से 6 का, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर है। कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ाएंगे आपको? आप पता है यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन का जोड़ दिए मैं सर, मेडिकल करवाया था। मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। और नेगेटिव करना है तो देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, देने पड़ेंगे।
देने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं आगे। क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज। एन क्या है? नंबर। और ई क्या है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताओ बताओ कौन सा द्वारा समझा दो? आपको फिर अलग से समझाऊंगा अभी, फिर वो इसमें क्या नाम था? स्नेहा। स्नेहा को समझ नहीं आएगा, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं बेटा ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो जी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सारे आपको करवाए, घर पे प्रैक्टिस करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी टेस्ट का अलग से न्यूमेरिकल रख दूंगा, और कोई इलाज ही नहीं है, टेस्ट डालूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही होंगे, चाहे पढ़कर आओ चाहे रट के आओ, आपकी मर्जी है।